जैन दोस्तों, मैं हूँ रमन गुरिया। तो टाइटल देख के आज समझ ही गए होंगे, तो आज अपन बात करने वाले हैं कि आर्मी की जो भर्ती होती है उसमें दौड़ में फेल हो जाते हैं लड़के जो अपने भाई होते हैं, कुछ दौड़ में फेल हो जाते हैं। तो उनके बारे में आज मैं मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ, तो उनके बारे में बताऊँगा कि वो फेल क्यों हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा फेल होने का कारण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी फिजिकल की वीडियो लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो मैंने दोस्तों अक्सर देखा है कि जो लड़के फेल हो जाते हैं रनिंग में, जो कुछ लड़के तैयारी करके जाते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, कुछ बिना तैयारी के जाते हैं वो, उन्होंने तो खैर फेल होना ही है। और फेल होने के बाद जो लड़का फिर रोता है, मैंने बहुत लड़के देखे। अभी जो सिपरी में भर्ती हुई थी उसमें लड़के काफ़ी देखे मैंने, लड़का फेल होने के बाद काफ़ी रोता है, निराशा होती है उसको, और सोचता है कि चलो इस बार भर्ती में नहीं हुआ तो अगली भर्ती देखेंगे और अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छी प्रैक्टिस। दोस्तों आज कंपटीशन तो आप देख ही रहे हो, हर भर्ती में कितना बढ़ता जा रहा है कि कम से कम आपको रेस लगाना पड़ेगी 5 मिनट या पाँच दस की रेस नॉर्मल हो जाती है, 5 मिनट 10 सेकंड की। अगर 5 डाउन रेस अगर जो बंदे की आ रही है वो बंदा 100% रनिंग निकाल देगा। तो अपन कारण पे आते हैं सबसे पहले कि कारण क्या है, बंदा क्यों फेल होता है। तो कारण पहला तो यही है कि प्रैक्टिस ना होना, सही प्रैक्टिस ना करना। जी हाँ दोस्त, कि ऐसा नहीं है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बंदा सोचे कि अगर भर्ती आ रही है, चलो बंदे को पता पड़ता है, लड़कों को पता पड़ता है, चलो 2 महीने है, 2 महीने में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आज बता दूँ, 2 महीने में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप। 2 महीने का 60 दिन का पता भी नहीं पड़ेगा कब निकल गए आपके। और सही तैयारी, मेरा मानना तो यही है कि सही तैयारी कंपटीशन को देखते हुए, जो भर्ती में आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है उस कंपटीशन को देखते हुए, तो 2 महीने की प्रैक्टिस तो कुछ नहीं है। और कुछ कुछ लड़के होते हैं जो उनकी पहले से ही रनिंग अच्छी होती है, पहले से बनी होती है, जो प्रैक्टिस वाला बंदा होता है वो 2 महीने में कवर कर सकता है। लेकिन जो तैयारी फर्स्ट भर्ती है या सेकेंड भर्ती है, जो अगर वो देखना चाहता है फर्स्ट या सेकेंड भर्ती, तो उससे 1 साल की पूरी तैयारी करना पड़ेगी। जी हाँ दोस्त, अगर बंदा कोई भी हो, अगर 1 साल दिल लगा कर अगर तैयारी करके जाए भर्ती में, तो वह बंदा कभी फेल नहीं होगा, 100% वो रनिंग पास कर ही लेगा। और गारंटी से 1 साल की तैयारी, मात्र 1 साल की तैयारी कंपटीशन को देखते हुए। अब पहले भर्तियों में तो चलता था 24, 36, 48 की दौड़ चलती थी, अब लेकिन कंपटीशन इतना हो गया है कि तुम्हारा 5-15 पे 5-10 पे बैच क्लोज हो जाता है। लड़के आगे जो चल रहे हैं, 10-15 लड़के आए तो ठीक है, वही पकड़ लिए, और पीछे वाले से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं 5-40 टाइम है, लेकिन 5-40 टाइम आपको भी पता है कहाँ दिया जाता है, 5-15, 5-20 बहुत से बहुत, 5-20 तो बहुत से बहुत। अगर 1 साल बंदा तैयारी करके जाए ना, मैं गारंटी देता हूँ, अगर दिल लगा कर 1 साल वो उसने तैयारी कर ली, भर्ती में जाए 1 साल की तैयारी के बाद, वो टांग ठोक देगा ऐसे कि मैं रनिंग पास करूँगा, एक्सीलेंट मारूँगा। जी हाँ, 1 साल की तैयारी में टांग ठोक देगा, कोई है क्या निकल के आओ। मैंने अक्सर देखे हैं बंदे सालों साल मेहनत करते हैं, लड़के रनिंग पास करते हैं, अच्छा लीड देके, कि देखने वाले भी जो देखते हैं भर्ती में और उसकी तारीफ करते हैं, यार क्या लड़का था, क्या रनिंग मारी। बंदा फेल हो जाता है, सोच के जाता है कि अगली भर्ती में मुझे ऐसी ही रनिंग करके आना है और इसी तरह मैं मुझे दौड़ पास करनी है जैसे कि उस बंदे ने मारी। उस बंदे की दौड़ तो आपने देख ली, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं देखी होगी आपने, वो कितनी प्रैक्टिस करके आया होगा, जब जब उसने इतना अच्छा रन किया वो भगा,
आप उसके फैन हो जाती हो और बोलते देखते हो कि अगली भर्ती में मुझे ऐसी तैयारी करके आती हो। फेल होने के बाद घर जाती हो, जोश कितने दिन रहता है आपका? बहुत से बहुत मैंने अक्सर देखा है, सोच के आते हैं नहीं इस बार अच्छी तैयारी करके आएंगे हम, पर डे दौड़ लगाएंगे, पर डे चाहे कुछ हो जाए। फेल होने के बाद जोश हर किसी में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन रहता है जुनून आपका, और जुनून धीरे धीरे आपका डाउन होने लगता है। फिर आप ग्राउंड ही नहीं देखते हो, कहाँ है ग्राउंड, क्या है, सब अपने काम में बिजी हो जाते हो। बस मेरा यही कहना है, अगर आपको हकीकत में ही एक्सीलेंट रनिंग मारनी है ना, तो 1 साल की तैयारी में बंदा कैसा भी हो, जीरो से भी हो ना, जीरो से स्टार्ट करेगा, वो भी 1 साल की तैयारी में टांग ठोक देगा ऐसे कि मैं एक्सीलेंट मारूंगा इस बैच में। अक्सर दोस्तों आपको पता ही होगा कि मेरा 13 तारीख को GD का फिजिकल था, मैंने रनिंग मारी, फिजिकल पास किया, लेकिन बेटर लगता मेरा नहीं हो पाया, क्या करें, बहुत फिजिकल पास करे हम, कहीं ना कहीं जब तक किस्मत का भी खेल होता है, जब तक किस्मत साथ नहीं दे रही है। इस बार चेस्ट में फेल हो गया, इससे पहले भी चेस्ट में फेल हो गया, इस बार चेस्ट तो मेरा अच्छा था, क्या करे, पर कोई नहीं, फिर तैयारी करेंगे। तो हमारा यही रूटीन चलता है कि जैसे कि जो भर्तियाँ आती हैं तो हमारा ग्राउंड बंद नहीं रहता है 365 दिन, तो 365 ही दिन पूरे हम ग्राउंड आते हैं, चाहे संडे हो, भले हम रेस्ट लेते हैं लेकिन ग्राउंड ज़रूर आएंगे। संडे के दिन वर्कआउट नहीं करेंगे लेकिन ग्राउंड ज़रूर आते हैं। तो ग्राउंड पर आइए, आप वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट मैंने पूरा बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता वर्कआउट क्या करना है तो आई बटन में मिल जाएगा या वीडियो के एंड में मिल जाएगा, 1600 मीटर का वर्कआउट बताया हुआ है, अगर वही वर्कआउट फॉलो करेंगे आराम से दौड़ निकल जाएगी। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को मोटिवेट करूं कि बस जो ग्राउंड से फेल होकर आता है ना भर्ती ग्राउंड से, आप जो दिमाग में सोच के आते हो कि अगली भर्ती को हम एक्सीलेंट मारना है, उस जुनून को अंदर से ख़त्म ना होने दें, सालों साल तैयारी करो। मैं गारंटी देता हूँ यार, 1 साल की तैयारी करके जाएगा बंदा कभी फेल नहीं हो सकता है, अगर उसका बेटर ही लक होगा या उसकी बॉडी टाइट पड़ जाए, वो कुछ अलग वो हो जाता है, लेकिन एक्सीलेंट रनिंग मारेगा वो बंदा। जी हाँ, बस मेरा यही कहना है यार, 1 साल तैयारी कर लो दिल लगा के, 1 साल की तैयारी में ना आर्मी की रनिंग कुछ नहीं है, आराम से नॉर्मल पास कर देगा बंदा। मेरा यही कहना है भाई, सबसे बड़ा कारण है कि आपकी तैयारी ना करना, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सालों साल आपको तैयारी करना पड़ेगी कंपटीशन को देखते हुए, जब ही आपकी आर्मी में रनिंग क्लियर हो पाएगी। सालों साल तैयारी करते रहो आप दोस्तों, और ऐसे ही मैं वीडियो मोटिवेट करने के लिए आपके लिए लाता रहूँगा और सब कुछ बताता रहूँगा। पर डे मेरी वीडियो आने वाली है, पर डे आपको क्या करना है, क्या तकलीफ है, पूरा रनिंग टिप्स की ही वीडियो में लाता रहूँगा, कैसे क्या वर्कआउट करें, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है ना वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और 1 साल की तैयारी करें पूरा, कोई बात नहीं। जो बंदे अपने जो भाई थे इस भर्ती में, जो हमारे यहाँ शिवपुरी में निकले थे, उसमें फेल हो गए हैं, बुरा निराशा ना हो, बस मेरा उनसे यही कहना है कि पूरी 1 साल तैयारी करके आइए, फिर देखिए आपका जलवा ग्राउंड पर क्या होता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, फिर देखिए आपका जलवा, आप तैयारी करके तो आओ, 1 साल तैयारी करके तो आओ, 2 महीने में 1 महीने में 3 2 महीने में तैयारी नहीं होती है। आप तैयारी कब करते हो, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म डालने लगे, जब आपको याद आती है चलो अब दौड़ लगा लें, क्या होगा, 40 दिन की तैयारी में कुछ नहीं हो सकता। तो तैयारी ऐसी करके आइए दोस्तों, ऐसी करके आइए, देखने वाली बंदी फैन हो जाए, हाँ यार वो बंदे ने लगाई थी रनिंग। तो बस मेरा यही कहना है, 1 साल की तैयारी में आप आर्मी की रनिंग एक्सीलेंट मार सकते हो, 2 या 3 महीने की तैयारी में कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, मैं आज भी बता रहा हूँ। 2 महीने की तैयारी 3 महीने की तैयारी वही करता है बंदा जो पहले से उसकी रनिंग अच्छी है, पहले से उसने फिजिकल पास करे हैं, वो अपनी रनिंग बना सकता है, लेकिन जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, 1 साल की तैयारी बिल्कुल करना पड़ेगी। तो बस मेरा यही कहना है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ जय हिंद।